अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। टमाटर 100 के हिंसे से नीचे आने को तैयार नहीं। सिंहपुरा सब्जी मंडी में गरा फरोशी अरूज पर है। टमाटर 74 के बजाय 100, प्याज 20 के बजाय 30, जबकि आलू 10 के बजाय 20 रुपए फी किलो में बिकने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं सुंदस खान। जी सुंदस, बिल्कुल छुट्टी का रोज़ और छुट्टी के रोज़ शहरी जो है पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीदने के लिए इतवार बाजार और सब्जी मंडी का रुख करते हैं। इस वक्त में सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत जो है वो 10 रुपये लिखी गई है। 10 रुपये किलो के हिसाब से जो है आलू फरोख्त होने चाहिए, लेकिन दुकानदार जो है वो 20 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो आलू फरोख्त कर रहे हैं। इस तरह अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज की कीमत रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 20 रुपये लिखी गई है। 20 रुपये किलो के हिसाब से प्याज फरोख्त होना चाहिए, लेकिन दुकानदार जो है वो 30 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो प्याज फरोख्त कर रहे हैं। मेरे साथ ये एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या वो इन कीमतों के हवाले से मुतमईन है। मैं मोहल्ला छोड़ के मंडी में आया हूँ। मंडी में टमाटर 100 रुपये किलो मिलते हैं, 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। मैंने समझा था 80 रुपये किलो होंगे, लेकिन ये प्याज जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो प्याज की कीमत बढ़ गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? दिन ब दिन सब्जियाँ महंगी होती जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, हुकूमत इस पर कंट्रोल करें, थोड़ी सी चीज़ें रेट कम लगाएं। कि सब्जी हर घर की ज़रूरत है, अगर सब्जियाँ महंगी कर दी जाएंगी तो आवाम जो है वो क्या खाएगी? दिन ब दिन का ये कहने की महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर सब्जियों पर थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, सब्जियां सस्ती की जाएंगी, तो ही आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सुंदर खान।